और ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये 3.25 करोड़ रुपए के आसपास। इंस्टाग्राम लाइव करता है रणवीर सिंह, तो वो इसी गाड़ी से करता है भाई। स्टॉक में भी देख रहे हो इतनी आवाज आ रही है। ओ भाई भाई मिनटों में 100 हो गई है, देखो 100 हो गई भाई। तो यो 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 मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हो आपका अपना बम गर्व जोन। तो गाइस मैं अभी जस्ट सो के उठी है। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या चल रहा है? अबे की कालकिन उलझनों में उलझ गया आपने। मैंने ना गर्मी आ रही है, मैंने फ्रिज को थोड़ा सा साफ करना है। अच्छा, तो मम्मी क्या है, फ्रिज साफ करने में लगी पड़ी है। तो अभी हमारा फ्रिज है, ये देखो भाई, फ्रिज तो मम्मी एक नंबर लगता है मेरे को अपना। देख रही हो अभी अभी तो चकाचक बढ़ चुका है, अभी सफाई चल रही है। सारा काम करना मुझे। दोनों ही नहीं है। राजू तो बीमार चल रहा है, वो 4 दिन से तो आया ही नहीं है। तो गाइस अभी अपन हो गए तैयार और मैं जा रहा हूँ। मेरे एक कपिल भी आए, उनके रिलेटिव में किसी का फार्म हाउस है भाई। उसमें यकीन नहीं मानोगे कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन खड़ा है गाड़ियों का, वो मुझे भी नहीं पता। तो मेरे को वो फार्म देखना है, गाड़ियों का कलेक्शन देखना, तो अभी चलता है। तो गाइस अभी एक चीज और बता दूं, मेरी जो टीम है ना, आकाश हो गया, पुराने एडिटर हो गए, वो सारे चेंज हो गए। मैंने पूरी नई टीम बनाई है और आकाश की जगह एक और भाई आ रहे हैं, तो मेरा उसका जवाब देना बनता है। मैं अभी दूंगा, अभी नए मेंबर से आपको मिलाता हूं। और टीम मैंने क्यों चेंज करी बताते हैं अभी। रब्बू भाई दिख गए, क्या कर रहे हो? आ रहा आ रहा। रब्बू भाई यही टकरा गया अपने को खाते हुए भाई, देख रहे हो कितनी छोटी दुनिया है। वाली वीडियो देखी? हाँ देखी। अबे भाई मजा आ गए भाई, पूरे दिन नशे में रहा। बस भाई खाओ, मैं तो अभी काम से जा रहा हूँ। तो ये है भाई अपना लोंडा, आज से रहेगा। हाँ भाई कुक्ड टॉम्स, इसका मतलब पता है? नहीं पता, मतलब तो मेरे को भी नहीं पता। तो इस लोंडे से अभी मिलवाएंगे, पहले नान खा। क्या लग रही है पार्टी आज? तो कब से बना रहे हो नान? 20 साल से नान ही बना रहे हो? ठीक है नहीं। तो भाई ये आ गया अपनी प्लेट भाई। रब्बू भाई मानना पड़ेगा उस्ताद, 20 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा भाई। विराट चौक आ जाना, नान खा जाना भाई के। ओ ये क्या जा रहा भाई? भाई ये पता नहीं भैंस क्या क्या ले जा रहे हैं भाई। इन्होंने एक बंदा खड़ा कर दिया कि भाई काम चल रहा है। अबे यार एक से एक कलाकार मिलते हैं। तो भाई सीन ऐसा, आकाश भाई ने अभी काम छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने बोला मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ध्यान दूंगा। तो मैंने ठीक है ध्यान दो, वो पता नहीं YouTube चैनल पे ध्यान दे रहे हैं क्या करें, वो तो भाई उनकी मर्जी। ठीक है हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज फिर आकाश भाई की रिप्लेसमेंट हमारे भाई हैं। भाई क्या सीन है? बढ़िया सीन है। पता है क्या, मैं तो लोगों को सपोर्ट करता हूँ बट मेरे को एक चीज बुरी लगती है, फेमस हो के फिर खुद अपना काम चालू कर लेते हैं ना, वो चीज मेरे को दुखती है भाई। इतने लोग आए, इतने लोग सब छोड़ के चले गए यार। अपन आ गए हैं सूरज कुंड और अपने को यहाँ से जाना है सूरज कुंड के जंगलों में जाना भाई। तो कपिल भैया यही रहते हैं जहाँ अपन जा रहे हैं ना, जिन भाई के फार्म हाउस है, बहुत बड़े बड़े कलेक्शन है गाड़ी का, तो वो कपिल भाई के रिलेटिव ही है। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी, बिलियनर लोग भी रहते हैं भाई इंडिया में। अभी अपन आ गए हैं कपिल भैया के घर के सामने भाई, यहाँ पूरा जंगल है, मजा आ जाता है यार। ये आगे कपिल भैया। हाँ जी क्या हाल है सर? बढ़िया। चले आपने वो कहा है दूसरे भाई प्रशांत भाई, ऑफिस में मिलेगा। चलो आगे हमारे प्रशांत भाई। बढ़िया भाई, तो कपिल भाई अपने को लेके जा रहे हैं। कपिल भैया कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नोएडा, मेरी सिस्टर है। अच्छा रियल सिस्टर है? हाँ रियल सिस्टर। अच्छा अच्छा, उनका कार कलेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो वो देखने जा रहे हैं। अभी भैया मेरे को ये बता रहे थे भाई, मतलब कितने ही बड़े बिलियनियर हो, एक थार जरूर होती है सब पे। उन पे भी थार है? तो भाई अभी अपन आ गए हैं जहाँ अपने को कपिल भैया लाए थे। बोले भाई भाई साहब उड़ा मत देना, शादी नहीं हुई है मेरी। अच्छा। तो ये है हमारे भैया, कैसे हैं भैया? ऑल गुड भाई। तो भैया आपका नाम? सोनू। ये सोनू भाई हैं और ये हमारे भाई सिद्धार्थ। अच्छा तो ये सिद्धार्थ भाई। So guys, अभी पूरा कार कलेक्शन लग चुका है। अभी क्या है, थोड़ी गाड़ियां अभी है भी नहीं यहाँ पे, कुछ गाड़ियां इधर उधर काम पे भी गई होंगी। है बिल्कुल गई है। तो अभी मैं एक बार आपको ना छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कलेक्शन का। देखो मैंने जैसे बोला था हर कलेक्शन में थार तो मिलेगी। ये है भाई का घर, ये एक मेबैक है, वो मस्टैंग है, वो पोर्शे है। ठीक है, तो अभी भाई इसके पीछे ना भाई बहुत तगड़ी स्टोरी है। ये मिली है भाई 1.5 साल में। 1.5 साल में ऑन ऑर्डर कस्टमाइज करवाया पूरा। और ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये 3.25 करोड़ रुपए के आसपास। और बाप रे भाई यार बड़ी महंगी है भाई ये तो यार इतनी। मेरे ख्याल से कपिल भैया मैं एक्टरों पे ये गाड़ी और किसी पे नहीं है। हाँ नोएडा में तो पहली गाड़ी एक अर्जुन कपूर पे, कृति सैनन के पास और है एक दो और।
एक दो और रणवीर सिंह के पास भी रणवीर सिंह में, अरे हाँ मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम लाइव करता है रणवीर सिंह, तो वो इसी गाड़ी से करता है। फीचर सबसे पहला तो इसका कलर है, अलॉयज है। ये मैंने शायद दुबई में देखा है कलर, यूट्यूब वीडियो में किसी दुबई में था ये कलर। 3000 सीसी इंजन इसमें आता है, 4200 सीसी। अच्छा 42। अच्छा और एवरेज कितने का देती गाड़ी? एवरेज 7-8 का एवरेज। चलो शुक्र है। और अभी मेरे ख्याल से पेट्रोल बंद भी कर दिया। बंद क्यों करेंगे, पेट्रोल मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा पेट्रोल पे, 2 साल की कर दी है बेटे। अच्छा ज्यादा कर दी। ये तो 1.5 साल में डीजल मिल रहा है। अच्छा 1.5 साल में डीजल। तो इसको मैं गाइस पीछे से लुक दिखाता हूँ। बैजिंग मिल जाएगी आपको ये GLS 600। टॉप स्पीड कितनी होगी इसकी? टॉप स्पीड 280-300 के आसपास। 280-300 के आसपास। आपने 300 टपाई है? अरे 300 कौन टपा रहा है। सही है, तो मारने के चक्कर की लाखों की तो की है भाई, कितनी सही की है। ये इसका इंटीरियर है, बर्मेस्टर के स्पीकर है इसमें। क्या फील आ रही है बॉस, ऐसा लग रहा है भैया किसी कॉकपिट में बैठे। नहीं पूरा जबरदस्त गाड़ी है। तो आप मतलब इसको कैसे चलाते हो, डेली बेसिस पे या फंक्शन में कैसे? डेली चलाते हैं हम, डेली 200 किलोमीटर चलाते हैं डेली। ये गाड़ी 1 साल नहीं हुआ, 30,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई साहब। भाई ये तो मतलब आप चेक कर सकते हो। हाँ 4,215 किलोमीटर। 35,000 सही है भाई, बढ़िया चलाते हैं। तो आइडिया लगा लो कितनी चलती है, कितनी चलती। अच्छा इसकी सर्विस वर्विस कितने की होती होगी भैया? सर्विस अराउंड 1,00,000 रुपए के आसपास पड़ती है, और हर 10,000 पे होती होगी 15,000। सही है भैया, ज्यादा नहीं है कॉस्ट, ये नॉर्मल सर्विस है। अच्छा अगर कुछ ब्रेक पैड्स ये वो अगर कोई अलग इश्यू होता है तो फिर 3-4 लाख कॉस्ट। बीच में टच है। अच्छा टच से भी, हाँ ये देखो, बाकी ये सारे नेविगेशन है। गियर चेंज करने का? नहीं ये तो ऐसे शो के लिए, हाथ से चेंज होता है। अच्छा गियर यहाँ से, हाँ ये देखो ये रहा गियर, नॉर्मल मर्सिडीज के गाइस यहाँ से हाथ से चेंज होते हैं। अब तो दिन में तो दिखेगा नहीं, बट लाइट्स का चेंज करने का बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वाओ गाइस बहुत ह्यूज सनरूफ है भाई, तो खुलती जा रही है भैया पैनोरामिक पूरा। अच्छा तो गाइस और ये पीछे सीट है, पीछे ही मसाजर है? गाड़ियों में इसमें मिसिंग है ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से? नहीं कुछ नहीं, बेस्ट कार है, बेस्ट कार। एसयूवीज में इससे अच्छा कुछ है नहीं इस टाइम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। तो मैट ही है मेरे ख्याल से, हजारों के तो मैट होंगे। क्या बोलते हो यार? क्या भाई? हजारों के तो मैट ही होंगे। हजारों में 1.5 लाख के मैट है। क्या बात कर रहे हैं, 1.5 लाख के मैट है भाई? हजारों में कुछ नहीं आता मतलब। भाई ये तो गलत सीन बोल दिया मैंने। क्या मतलब इसकी जो क्रोम है ना भाई, क्वालिटी देखो भाई, ये होता है क्रोम। थार पे जो क्रोम लाके दे रहे हैं वो थर्ड ग्रेड। वाओ भाई 6 सिलेंडर इंजन है भाई, भाई यहाँ से लेके वहाँ तक तो इंजन ही इंजन है। अच्छा Q7 भी आप पे? अच्छा अच्छा वो कहीं गई हुई है। अपन चलते हैं Maybach में और थोड़ा घूम के आते हैं भाई, Maybach है कैसी भाई। इसके जो टायर ही टायर है ना बहुत महंगे, ये हेवन है कार यार, अलग ही फील आ रही है बॉस। इसमें ऐसा लगता है भैया कि राजा है हम। टायर वायर कितने के आते होंगे भैया? टायर भाई 60,000 रुपए का एक टायर। कैसी फील आ रही है भाई? बढ़िया एकदम, राजा बाप बैंकर। एम ना ये लाइटिंग का ही रहता है भाई, एम्बियंस लाइट इनकी बड़ी जबरदस्त है ये, वो भी रात में ही दिखेगी। तो भैया हमारी थार में शॉट लेता है बंदा, चलो बैठ के एंजॉय करो। मेरे ख्याल से नोएडा में भी है एक आधी होगी ये गाड़ी। हाँ नोएडा में पहली तो है हमारे, अभी तक मैंने देखी नहीं। अच्छा मैंने भी नहीं, खुद नहीं देखी। और जी वैगन का क्या सोच रहे हो? जी वैगन ऐड करो भैया। जी वैगन यार 2-2 साल की वेटिंग बता रहे हैं। हाँ इतना वो नहीं है, इतना टाइम नहीं। और सेकंड हैंड में उसका भी सोचा? सेकंड हैंड नहीं। हाँ भाई मैंने देखा भाई का कलेक्शन सारा नई नई गाड़ियों का ही है, वो तो मस्टैंग बंद हो गई तो मजबूरी में लेनी पड़ी बस, नहीं तो वो भी नहीं आती। मस्टैंग जब आई थी ये जो लास्ट जब सेल हुई थी गाड़ी तो 60 लाख रुपए में हुई थी। अच्छा और मैंने 70 में ली है पुरानी। पुरानी और अब 85 तक आपको ऑफर आ गया? 80-85 तक ऑफर आ रहे हैं। बताओ भाई गाड़ी नहीं है मार्केट में बिकने की। हाँ तो ओ भाई बट भैया जो पंच जो उसमें था ना Porsche में ना, एक्चुअली क्या वो कॉम्पैक्ट है। अच्छा ये 7 सीटर है, वो 5 सीटर है। 5 सीटर है तो इसका वजन भी ज्यादा है। हाँ जितनी गाड़ी कॉम्पैक्ट होती है उतने पिकअप ज्यादा होता है। ज्यादा बात फैक्ट बोली भैया ने, वो 5 सीटर है ये 7 सीटर है। तो भाई पे वो बता रहे थे भाई पे एक जगुआर XGL थी। XGL तो अभी वो कहाँ है? वो बेच दिया मैंने, परेशान हो गए। परेशान हो गए
क्या था उसमें, ऐसा क्या ड्रॉबैक क्या लगा? ड्रॉबैक ये था 1,00,000 किलोमीटर चलाई थी मैंने XGL, पर उसमें 10,00,000 रुपए 2 बार लगाई मैंने। क्या बात कर रहे हो। एक बार उसका इंजन चेंज हुआ पूरा गाड़ी का, 50% मैंने पे किया, 50% कंपनी ने पे किया। अच्छा अच्छा। और एक बार उसका गेयरबॉक्स, वो 8,00,000 रुपए पूरा मैंने पे किया। और बाप रे, मतलब कंप्लेंट आती थी उस गाड़ी में? ये कंप्लेंट 1,00,000 में बोल गई है। 1,00,000 में बोल गई। इससे तो बढ़िया यार थार है। जो स्क्रीन है ना भाई, ये देखो 360 डिग्री कैमरा है, और वहाँ आप देखोगे ना तो भाई वहाँ भी बैजिंग है मेबैक की। नॉर्मल और मेबैक में फर्क क्या है? मेबैक और नॉर्मल में सारा आपको जो नॉर्मल होगी उसमें सारा लोगो वगैरह सब मर्सिडीज का मिलेगा। हाँ। और वो इससे आधे रेट में मिलेगी। आधे रेट में और क्या। और इंजन में ही फर्क है? इंजन में भी फर्क है। ये आ गए अपन वापस घर, और ये भाई की थार है तो खैर थार का क्या ही रिव्यू करूं। थार तो यहाँ पे गांव में जाने के लिए ले रखी है हमने, हमारे पास ये गांव नजदीक है हमारा। अच्छा अच्छा। तो गांव वगैरह जाते हैं तो ले जाते हैं। अच्छा थार से, चलो बढ़िया। मैं दूर से आ रहा था ना, ये आपने जो कलर ले रखा है ना, मतलब मेबैक में बाद में नजर गई, पहले मस्टैंग पे गई मेरी, ऐसा सीन। भैया कौन सा मॉडल है, आपने कब ली, कैसे ली, कुछ स्टोरी इसके पीछे? ये भैया 2017 मॉडल है। ली क्यों आपने, मस्टैंग ही क्यों ली? मेरी मर्जी अनवर भाई। पहले तो इतना इसका वो नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स कारों में इससे बेस्ट कुछ है नहीं। कुछ है नहीं सही में। आज तो कोई नहीं रहा है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें पैसा बढ़ता है। ये तो हर गाड़ी डेप्रिशिएट होती है, लेकिन ये बढ़ती है। तो अच्छा, तो लोग आप पे मतलब अभी भी फोन आते हैं कि भाई मेरे को इतने की बेच दो? जो 70 की 80 की होगी, जिसने क्या बात कर रहे हो, पता करो। 10,00,000 रुपए ऊपर ऑफर दे रहे हैं। गजब यार। ये है सेल के लिए या नहीं है? नहीं नहीं, सेल के लिए। कपिल भाई लेंगे। ये कपिल कोई गाड़ी नहीं है, वही गाड़ी नहीं है। तो सही है गाइस, तो अभी आपको ना मस्टैंग दिखा दो। मस्टैंग है क्या चीज? ये भाई 5,000 cc इंजन है इसका। अच्छा अच्छा। पेट्रोल? पेट्रोल। अच्छा अच्छा। पेट्रोल इंजन। ये चल गई होगी तकरीबन 15-20 हज़ार के आसपास। तो गाइस ये इसके अलॉयज है, येलो कलर है। आपने अच्छा सिंपल क्यों रखी है गाड़ी, इसमें कुछ कराया क्यों नहीं? चॉइस है अपनी। सही है। अच्छा भैया मेरे को कह रहे थे कि मेरे को ना गाड़ी सिंपल रखने का शौक है। ये मस्टैंग का इंटीरियर है, देखो ये स्पोर्ट्स कार है। भैया ये टॉप स्पीड कितनी आती होगी? टॉप स्पीड तो एक बार स्टार्ट करिए। अरे गजब, 260 की टॉप स्पीड है ये देखो। हाँ अच्छा, तो इसमें इंजन ऑन करते हैं तभी ये लाइटें वाइटें आती हैं सारी। ये देखो एक बारी भाई, स्टॉक में भी देख रहे हो इतनी आवाज आ रही है। तो भैया ये कब निकालते हो, डेली निकालते हो, कम निकालते हो, कैसा सीन है इसका? हफ्ते में 1-2 दिन चल जाती है। एक दो दिन गाड़ियाँ इतनी है, डेली एक एक भी चलेगी तो भी साथ एक दिन ही चल पाती है। ये भी सही कह रहे हो। तो भैया टोटल आप पे गाड़ियाँ कितनी होंगी सारी मिला के, छोटी बड़ी सब? 8-9 गाड़ियाँ हैं। तो सही है, लेकिन भैया की फेवरेट वही है मेबैक। तो इसमें यही है गाइस, इसमें एक तरीके की स्पोर्ट्स कार है, पीछे की सीट तो ना बच्चे के बैठने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ ज्यादा स्पेस है नहीं। हाँ वही वाला। बाकी तो देखो वही है, पावर है इस गाड़ी में, ज्यादा इतने फीचर है नहीं। मेरी असल कार है तो उसमें इंटीरियर वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, ये पावर पे ध्यान देते। एवरेज कितने का दे रही होगी भैया? तो देती है 5 का एवरेज। 5? अरे गजब यार, 5 तो भाई बहुत ही कम हो गया यार। 5 का एवरेज कुछ बहुत ही कम होता है। ये तो महीने पहले ली है? अभी 1 महीना चले। अच्छा, कितने की पड़ी भैया ऑन रोड? ये है 1,80,00। 1,80,00 की? 1,80,00,000? 1,80,00,000 यार, महंगी कर दी यार भैया बहुत। पहले नहीं थी इतनी। इसके हमने सारे मॉडल लिए हैं। अच्छा, फर्स्ट वाली हमने ली थी 75 लाख की। हाँ, पहले अच्छा। भी थी, सेकंड वाली थी वो 130,000 की थी। अच्छा, अभी है 1,80,00,000। तो इसमें मतलब आपको फील होता है कि हाँ सही में वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल है भाई। ये देखो ये Porsche Cayman है भाई गजब। तो भैया ये पेट्रोल है डीजल है? पेट्रोल है भाई ये। अब डीजल कोई बनाता नहीं है Porsche, उसने डीजल बंद कर दिया बनाना। मारुति ने भी कर दिया, मारुति ने भी कर दिया, ऑडी ने भी कर दिया, Porsche ने भी। तो डीजल बंद क्यों कर रहा है इसके पीछे कुछ? डीजल वही 10 साल। इतनी बड़ी गाड़ी 2 करोड़ की लेगा तो 10 साल थोड़ी चलाएगा भाई। ये तो भाई बहुत प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली में भैया। ऑडी BMW मिट्टी खराब हो रखी है, वही 10 साल पुरानी, 4-4, 5-5 लाख रुपए बेच रहे हैं। 3 करोड़ की गाड़ी है। हाँ सही में, अब वो अगर 10 साल चलेगी तो बेकार है। बेकार है ये तो, सही कह रहे हो यार, बहुत बुरा लगता है यार। एवरेज तो 9-10 का देती है। 9-10 का देती है। जेट है अंदर से? जेट है। और क्या, चले फिर जेट में देखें। Porsche में चलते हैं और देखते हैं भाई 1,80,00,000 का इसमें क्या सिस्टम। इंटीरियर तो नेक्स्ट लेवल है भैया। तो अच्छा, आपको GLS में ज्यादा फील आती है Porsche में? पर्सनली तो मैं एक्चुअली है क्या, Porsche हम 10 साल से चला रहे हैं। तो थोड़ा चेंज के लिए थोड़ा GL में डिफरेंट लगता है। GL भी हम 2014 से GL चला रहे हैं। अच्छा, Porsche की एक अलग फील है। सही कह रहे हो, ये सेगमेंट ही अलग है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं देखो अभी हल्का सा स्ट्रेच मारे। ओ भाई क्या पिकअप है, वो खिस्ती चली जा रही है भाई। सही में सही कह रहे हो भैया, वर्थ है गाड़ी। क्या पिकअप है गाइस गाड़ी में, मानना पड़ेगा। 5,000 की एवरेज देती है।
नहीं ये तो देती है 8-9 देती है। चलो शुक्र है। तो इसमें 100 डलता है 95 डलता है नॉर्मल नॉर्मल। ये सीना जो पीछे कंफर्ट है भैया पूरा जबरदस्त है। अच्छा इसी बात पे सनरूफ ओपन करते हैं भाई पैनोरामिक सनरूफ है। तो भैया एक स्ट्रेच मारते हैं। ओ भाई भाई मिनटों में 100 हो गई है। देखो 100 हो गई भाई। इसकी मेंटेनेंस क्या रहती है? इसकी मेंटेनेंस वही सर्विस अराउंड 70-80 हजार रुपए के आसपास नॉर्मल सर्विस होती है। अच्छा 70-80। और मस्टैंग की? मस्टैंग की तो 20 हजार रुपए। बस ये सबसे सस्ती स्पोर्ट्स कार है। ये तो सही बोल रहे हो। I feel good, nothing weighs me down, I can't believe my luck right now. Oof, भाई जेट है भाई। इसको बोलते हैं घोड़ा। ये भी घोड़ा ही है। तो गाइस ये था कलेक्शन। एक बारी कमेंट करके बताना कैसा लगा कलेक्शन। तो भाई ये मैं तो ये कहूंगा भाई मेहनत करो और आप भी ऐसी गाड़ी लो भाई। बहुत मेहनत लगती है ऐसा कलेक्शन बनाने में। मैंने ये देखा भैया जिस बंदे पे इतनी महंगी महंगी गाड़ी होती है ना उस पर टाइम ही नहीं होता इन गाड़ियों का लुफ्त उठाने का। बिल्कुल, है ना? ये तो है ही। तो यही सीन है गाइस। तो अभी चलते अपन। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सोनू भैया आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। आपको भी थैंक यू यार। आपको भी प्रशांत भाई थैंक यू यार। थैंक यू मेरे भाई। अभी घर जा रहे थे भैया सेम डॉलर वाली हरकत है इसकी। हाँ काटेगा तो नहीं भैया? गुस्सा नहीं दोस्तू दोस्तू काटता तो नहीं है ये कटवाना चाह रहे गाइस। देख लो मजे ले रहे। तो गाइस अभी हम आए चाय पीने भाई के घर। एक तो ना मेरे को इतनी शर्म आती है मतलब इनके साथ जाता हूँ कहीं जाता हूँ ना मैं मतलब मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ और सारे मेरी शक्ल देखते हैं कर क्या रहा है ये क्या आदमी है। काम छोड़ भी तो नहीं सकते। तो ये सारे बैठ गए भाई। क्या नाम क्या है भाई इसका? ओरियो 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 सौरभ दा आ गए ओरियो। आपने जाना रही कास के रख दूंगी यहाँ पर। अच्छा ठीक है नहीं बोलूंगा सौरभ दा नहीं बोलूंगा। गोरोजोन आ गए। इस अभी अपन निकल गए चाय वाय पिलाई भैया ने। अभी चलते हैं घर। तो भाई अभी अपन आ गए कुछ समोसा खाने। मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं तो मैंने समोसे खा के चलते हैं। और ये देख रहा है भाई टोपी कैसे पहनी तूने? मेरे को कॉपी कराना तूने? नहीं। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं घर इसको छोड़ते हैं। हाँ भाई कैसा रहा डेवन? चल एक चीज तू मेरे को बता तूने क्या एक्सपीरियंस करा? जैसे पहले तू ये मेरा सब्सक्राइबर था गाइस तो इसको बहुत मुश्किल से ढूंढा। ये नितिन का ही दोस्त था। तो पहले जो तू टीवी में देखता था मेरे को और रियल में क्या फर्क है सही सही बता। डाउन टू अर्थ। अच्छा और टीवी में कैसा लगता है और कुछ यहाँ पे कोई एक चीज कॉमन चीज बता जो टीवी में भी थी वैसी और मैं रियल में भी ऐसे ब्लॉग में भी करते ऐसे रियल लाइफ में भी वैसे ही रहते हो? हाँ सीरियस रहते हो हर चीज के लिए? अच्छा मतलब भाई देखो ये बात इसने सही बोली। जैसे मैं ब्लॉग्स में हंसी मजाक करता हूँ ना ऐसे मैं रियल लाइफ में भी मैं हंसी बकचोद हूँ। है भाई देखा हम कैमरा रखे थे हम समोसे खा रहे थे तो रियल लाइफ में भाई थोड़ा सीरियस भी रहता हूँ भाई। ये तो खैर सही कह रहा है। व्लॉग्स में क्या हंसाना दिखाना पड़ता है कि भाई हंस रहा हूँ मैं एंटरटेन करना पड़ता है बट रियल लाइफ में मैं ना चुप रहता हूँ और सोचता रहता हूँ। दिमाग में मेरा कंटेंट चलता रहता है एडिटिंग चलती रहती है बस दैट्स इट। आ रहा हूँ कर ली सुसु। तो गाइस अभी है नेक्स्ट डे और अभी अपन जा रहे हैं कलर्स ले ले होली का। तो अभी ये पिकअप ट्रक की बहुत तगड़ी स्टोरी है। अभी अपन रखने वाले चलाने वाले अपन ने होली का सामान इसमें रख के लेके आएंगे और अभी बस मैं पहुंचने वाला हूँ जहाँ अपन आए हैं बहुत दूर है अपने घर से तोता के कलर्स लेने स्टैक लेने होली का। तो लाख रुपए का स्टैश मंगाया मैंने तो अभी लाता हूँ और नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि मेरा स्टैश कैसा है। कैसा है? तो ये शशांक भी है। तो मम्मी इसुसु कैसी लग रही है? तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आप फिर आपको बताऊंगा इसुसु की स्टोरी पूरी और मेरा जो होली स्टैश है कल वाले व्लॉग में आप देखना तो कैसा लग रहा है एक बारी कमेंट करके बताना इसुसु ट्रक। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो 5 मिलियन करा दो क्योंकि 5 मिलियन पे अपन सुपर बाइक ले रहे हैं और सब्सक्राइब करने बेल का ऑप्शन जरूर दबा देना उससे क्या नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा।